अब तक आपने बिहेवियर समझा, एसी सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है, उससे अलग होता है जैसा ये बिहेव करते हैं डीसी सर्किट में, स्टेडी सर्किट में, स्टेडी करंट के सर्किट में। रेजिस्टर को मतलब नहीं होता कोई भी, रेजिस्टर का बिहेवियर जैसा स्टेडी करंट के लिए है वैसा ही किसके लिए है, एसी के लिए। एसी की फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एसी की फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं प्योर रेजिस्टर को, जबकि एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी से फर्क पड़ता है इंडक्टर को, कैपेसिटर को। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जीरो के आसपास है, तो कैपेसिटर आपका बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, और अगर एसी की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, जीरो के आसपास है, तो प्योर इंडक्टर नहीं के बराबर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो कैपेसिटर बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, इंडक्टर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है। एसी और डीसी सर्किट के में होने पर बिहेवियर बदल जाता है, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर भी बिहेवियर बदल जाता है कैपेसिटर का और इंडक्टर का। अब इन बिहेवियर का बदलाव हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मतलब है कि कितनी बिजली खर्च हो रही है, सारी दुनिया गई, हमें मतलब नहीं कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, हमें तो ये बता दो बिजली किसमें बचेगी वो बता दो। तो सारी चीज़ों को मिलाकर के अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना है, पावर कंजम्पशन कितना है। एक एक करके तीनों में पावर कंजम्पशन निकालेंगे, पहले प्योर रेजिस्टर, फिर प्योर इंडक्ट कैपेसिटर, फिर प्योर इंडक्टर, और फिर आरएलसी सर्किट, तीनों लेकर के, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम पावर एसोसिएटेड विद प्योर रजिस्टर, पावर एसोसिएटेड विद प्योर रजिस्टर, रेजिस्टर कह दें या इसे प्योर रेजिस्टेंस कह दें, एक ही बात है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है, फिजिक्स कहीं नहीं, मैथमेटिक्स। पहली दो लाइन फिजिक्स की, सारी मैथमेटिक्स के बाद। ईएमएफ अप्लाइड, ई इक्वल्स E नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट इन द रजिस्टर I cos I नॉट साइन ओमेगा टी, यही है इंस्टेंटेनियस पावर। पावर P इक्वल्स होता है EI, और इंस्टेंटेनियस पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल्स ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन कह दो या एनर्जी डेसिपेटेड कह दीजिए, इन स्मॉल टाइम डी टी, तो आपके लिए डी डब्ल्यू बना ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देन टोटल वर्क डन ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। टोटल वर्क डन जब आप फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू का जीरो से कैपिटल टी तक। क्या है डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू है आपका ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ई नॉट आई नॉट दोनों पीक वैल्यूज है, कांस्टेंट है, हाँ डी टी। तो ई नॉट आई नॉट जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। W इक्वल्स ई नॉट आई नॉट वन माइनस टू ओमेगा टी बाय डी टी। इस टू को तो मैं बाहर ले लूं, ई नॉट आई नॉट बाय टू, इंटीग्रेशन जीरो टू टी
1 dt, integration 0 to t, dt, ठीक है, W is equals to E naught I naught by 2, T, सीधे लिखो कैपिटल T, चलो ठीक है, कैपिटल T हो गया सीधा सीधा ये, माइनस, हाँ पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, जीरो है सारा ये, पहले भी तो आ चुका है ये सब कुछ, करें क्या उसे, सब कर चुके हैं हम उसे पहले, माइनस जीरो, तो फिर वर्क कितना हो गया बोलो, वर्क टोटल हुआ आपका, E नॉट I नॉट T by 2, तो अब एवरेज पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इक्वल्स E नॉट I नॉट T अपॉन 2, और टाइम कितना लगा इसे, 1 साइकिल, तो क्या बना आपके पास, थोड़ा सा इसे चेंज कर लूं मैं, E नॉट बाय रूट टू, I नॉट बाय रूट टू, बताना तो जरा ये क्या होता है, क्या होता है ये, E नॉट बाय रूट टू क्या था, E आर एम एस, I आर एम एस, वॉट, ये आपका हो गया पावर एसोसिएटेड विद प्योर इंडक्टर, केवल केवल किस पर डिपेंड है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट पर ही डिपेंड है, और कोई भी फैक्टर इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, कीजिए, क्या है ये, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद प्योर रेजिस्टर,